जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणपति बाप्पा को मोदक बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, सो आज मैं उसी उपलक्ष्य में लेके आई हूँ आपके लिए पान गुलकंद मोदक की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी बनाना पान मोदक। सो इसके लिए आज हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पे ये 2 कप कोकोनट पाउडर लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये दोनों चीजें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे इजीली अवेलेबल मिलेंगी। 5 मैंने फ्रेश पान लीव्स लिए हैं एंड 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। सो अभी सबसे पहले हम अपना पान का बेस बना लेंगे। सो इसके लिए आज हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 कप कोकोनट पाउडर लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम कंडेंस मिल्क लिया है। दोनों ही चीजें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे इजीली अवेलेबल मिलेंगी। 5 मैंने पान की लीव लिए, ये आपको किसी भी पान की दुकान पे मिल जाएगा। एंड 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। सो अभी सबसे पहले हम इस मिक्सी जार में ये कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। इसी के साथ मैंने जो पान के पत्ते ले रखे हैं इनको तोड़ के मैं इसमें ऐड कर लूंगी। और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। सो मैंने कंडेंस मिल्क और पान के पत्ते एक जार में कर लिए, अभी हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। सो ये देखिए, पान और कंडेंस मिल्क का हमने एक लिक्विड तैयार कर लिया है, अभी हम इससे अपना मोदक का बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मोदक। मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन ले रखा है, गैस मेरा मीडियम टू हाई के बीच में। अभी मैं सबसे पहले इस पैन में जो हमने 2 कप कोकोनट पाउडर लिया था वो ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आप मोदक घर पे ही बना सकते हैं गणपति जी को भोग लगाने के लिए। अभी मैं इसी के साथ जो हमने पान का और कंडेंस मिल्क का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से कोकोनट के साथ। अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा सारा कोकोनट इसमें कोट हो जाए। सो ये अभी हल्का सा मिक्स हो चुका है, इसमें मैं 1-2 ड्रॉप ग्रीन कलर के ऐड करूंगी तो उससे बहुत अच्छा ग्रीन कलर आएगा, जैसे पान का कलर होता है। कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे हम साथ में अच्छे से। पान फ्लेवर लड्डू बना रहे हैं सो ग्रीन कलर तो होना चाहिए, वैसे तो नेचुरल कलर भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसको ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर दें। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये जो हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया था ये ऐड कर दूंगी। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो डोई हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है मोदक के लिए। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये घर पे बनाया हुआ शुद्ध घी है, आप इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे एक तो शाइन आएगी और बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी घी के साथ। तो बस अभी गैस को हम बंद कर देंगे, डो हमारा रेडी है, फिर हम अपने मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए डो अच्छे से ग्रीन कलर का बन गया है हमारा। अभी इस पॉइंट पर गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम अपने मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। सो डो हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने पान मोदक बना रहे हैं तो ये गुलकंद लिया है मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट 1 चम्मच जितना, 2 चम्मच मैंने गुलकंद लिया था, 1 चम्मच इसमें मैंने कोकोनट ऐड किया, थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ऐड किया और थोड़े से मेरे पास ये ड्राई रोज पेटल्स थे ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। सो इसकी हम अंदर फिलिंग करेंगे। तो आज हम मोदक बनाएंगे, मेरे पास ये मोदक बनाने का मोल्ड है, ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा, अदरवाइज मैंने अमेजोन से मंगाया तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे इसमें एक पेन होता है, ये मैं रिमूव कर लूंगी। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी से या किसी चीज से, जिससे हमारे मोदक इसमें चिपके ना। तो हल्का हल्का सा देसी घी लगा रही हूँ मैं इसके अंदर,
इससे मोदक पे शाइन भी आएगी और इसमें स्टिक भी नहीं होगी। इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। अभी मैं ये स्टफिंग लूंगी मोदक की और ये इसमें फिल करूंगी। इस तरीके से इसको हम साइडों में सेट करते जाएंगे क्योंकि हमने बीच में अपने गुलकंद की फिलिंग भरनी है। तो इस तरीके से आप इसको साइडों में सेट करते जाएं, दबा के करेंगे इजीली हो जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से इसमें सेट हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा गुलकंद लूंगी, ये डाल दूंगी बीच में इसमें और ऊपर से थोड़ा सा ये स्टफिंग लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से दबा के थोड़ा प्लेन कर देंगे। रेडी है हमारा फर्स्ट क्लास। कितना सुंदर पान मोदक, आप इसको जरूर बनाइएगा। ऐसे ही हम अपने और मोदक रेडी करेंगे। पापा को भोग लगा दिया है, आप भी इसको बनाएं और अपने गणपति पापा को भोग लगाएं। और इस रेसिपी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज टैप द बेल आइकन जिससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।